हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को टेक्नोजोलॉजी के और एक नए एपिसोड के अंदर। सो गाइस, आपका दिमाग भिन्ना गया है, आप सोच रहे हो यार कौन सा वाला मदरबोर्ड लिया जाए, बजट सेगमेंट के अंदर गेमिंग करना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन टॉप ऐसे मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगा जिनके अंदर आपको ऑलरेडी M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है एंड BIOS ऑलरेडी अपडेटेड है इन तीन मदरबोर्ड्स के अंदर, जो कि बजट लेवल के अंदर आपको बहुत ही तगड़े गेमिंग करवा देंगे। इन तीनों मदरबोर्ड के बारे में बताने से पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो साथ ही साथ बेल बटन है उसको भी दबा के रखना, ताकि आने वाले दिनों में PC कंटेंट रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियोस हमारे चैनल में देखने को भी मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड परचेस करने से पहले 6 ऐसे टर्म्स या फिर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा गौर देना चाहिए। ब्रांड क्वालिटी, प्रोसेसर, साटा केबल, मॉडल, रैम, GPU, आपको कौन सा वाला चाहिए, ITX चाहिए, ATX चाहिए, कौन सा वाला आपको मदरबोर्ड चाहिए, इसके ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, या फिर ये जो पांच आपको चीज़ें बताया इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको गौर करना है। देन आपको तो मैंने बता ही दिया, इनके अंदर आपको ऑलरेडी M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर अपडेटेड BIOS भी देखने को मिल जाता है। सो ज़्यादा छिक छिक का यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं इन तीनों मदरबोर्ड्स के अंदर। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे मेन कंटेंट के अंदर। पहला जो मदरबोर्ड है ये दोस्तों कुछ बजट लेवल गेमर्स के ऊपर टारगेट करके बनाया गया है। ये आता है दोस्तों ASRock की तरफ से A320M HDB R4.0 करके। इसके अंदर आपको प्रोसेसर सपोर्ट मिल जाता है AMD Ryzen 1-2-3 जेनरेशन का एंड साथ ही साथ आपको A सीरीज एंड Athlon सीरीज का भी प्रोसेसर सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। RAM आप 32GB तक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। क्लॉक स्पीड आपको 3200 MHz का देखने को मिलता है। सिंगल M.2 स्लॉट आपको मिल जाता है। NVMe SSD भी आप इसमें यूज कर सकते हो। 3 डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट आपको मिलता है, DVI-D, HDMI, VGA पोर्ट और 6 USB पोर्ट आपको मिल जाता है, एक LAN पोर्ट भी मिलता है, 3 ऑडियो जैक, 1 PA/2 पोर्ट मिलता है और इसका प्राइस इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4048 या फिर 50 रुपया का देखने को आपको मिल जाएगा। ये Amazon के अंदर आपको मिलता है, इसका प्राइस वेरी होता रहता है। अगर आप चाहो लोकल मार्केट से भी इससे कम में इसको परचेस कर सकते हो एंड इसको परचेस करने का जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया, आप जाके वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड जो मदरबोर्ड है ये कुछ अलग सा मदरबोर्ड है, अगर आप इससे थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इस वाले मदरबोर्ड के ऊपर जा सकते हो। एक चीज बता दूं, इसके अंदर आपको 64GB तक का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यह आता है गीगाबाइट की तरफ से GA A320M H2H नाम से। प्रोसेसर सपोर्ट AMD Ryzen 1-2-3 जेनरेशन तीनों का ही आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे A सीरीज एंड Athlon सीरीज का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। RAM अप टू 64GB तक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आप यहाँ पे 3200 MHz तक चला सकते हो। सिंगल M.2 स्लॉट आपको मिल जाता है, NVMe SSD मिलता है, 3 डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट, DVI-D, HDMI, VGA पोर्ट मिलता है एंड 6 USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 3 ऑडियो जैक, 1 PA/2 पोर्ट मिलता है और इंडियन मार्केट में इस वाले मदरबोर्ड का प्राइस गीगाबाइट ने रखा है 4899 रुपीज। ये कभी कभार आपको 4900 रुपया में भी Amazon पे देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा दोस्तों कंपोनेंट शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे जो प्राइस है उसको हाई रखा गया कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कोरोना के वजह से बहुत ही सारे चीजों को इंपोर्ट करना इंडिया में बंद हो चुका है और दोस्तों कंपोनेंट आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से बहुत ही सारी चीजों का जो प्राइस है उसको भी हाई करवा दिया गया है। आप ऑनलाइन से ले लो या फिर ऑफलाइन से ले लो, लेकिन ये आपको Amazon के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4899 या फिर 4950 तक देखने को मिल जाएगा। इसमें आप 64GB तक मैक्सिमम रैम लगा सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ये एक अलग फैसिलिटी आपको इस वाले मदरबोर्ड में देखने को मिल जाता है, जो कि आता है हमारे गीगाबाइट की तरफ से। तो आप थोड़ा ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट कर सकते हो यू ऑब्वियसली गो फॉर इट एंड नीचे में इसका जो लिंक है बेस्ट बाइंग लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, थर्ड नंबर का जो मदरबोर्ड है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मदरबोर्ड है, अगर आप बजट लेवल में रहकर बहुत ही तगड़ा गेमिंग करना चाहते हो। एक चीज बता दूं, इस वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 128GB का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि उन दोनों मदरबोर्ड्स में आपको देखने को नहीं मिलते। जी हां दोस्तों, यह आता है हमारे ASUS की तरफ से EX320M गेमिंग मदरबोर्ड। इसमें प्रोसेसर सपोर्ट आपको AMD Ryzen 1-2-3 तीनों ही जनरेशन का मिल जाएगा। A सीरीज, Athlon सीरीज दोनों का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। RAM अप टू 128GB तक आप इसमें लगा सकते हो। क्लॉक स्पीड आपको मैक्सिमम 3200 MHz तक देखने को मिलेगा। सिंगल M.2 स्लॉट मिलेगा। NVMe SSD का आपको सपोर्ट मिलेगा।
टू डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट यहाँ पे मिलेगा, उसमें थ्री डिस्प्ले थे दोनों में, यहाँ पे आपको टू डिस्प्ले मिल जाता है। DVI-D, HDMI, 6 USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, 3 ऑडियो जैक एंड 1 PS/2 पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये इंडियन मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ 5,300 रुपया में देखने को मिल जाएगा, और 5,500 रुपया तक आप इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि प्राइस थोड़ा बढ़ता रहता है, कमता भी रहता है, तो यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और एक चीज बता दूं, ASUS का मदरबोर्ड है, गेमिंग सीरीज का है, इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर चेकआउट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से गेमिंग के लिए इंप्रूवमेंट किया गया है दोस्तों, और कुछ स्लॉट इसमें आपको ज्यादा भी देखने को मिल जाता है। सो ASUS का अगर आप मदरबोर्ड परचेस करना चाहते हो, आप थोड़ा पैसा ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस वाले मदरबोर्ड के ऊपर जा सकते हो। ये जो मदरबोर्ड है मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है, और टॉप 3 में ये सबसे पहले में रैंक करता है। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताना, और ये तीनों मदरबोर्ड्स का बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, जाके जरूर परचेस कर लेना, वहां से परचेस करने में इस चैनल को थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, तो जरूर वहां से चेकआउट कर लेना। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, अगर कोई डाउट है मन में डू लेट अस कॉमेंट सेक्शन बिलो, और इस वीडियो में अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे लाइक कर देना। चलिए गाइस, मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।